एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टैट मेडिकल का प्रीवियस ईयर पेपर बायोलॉजी सेक्शन 2022 का जून। अब जो पेपर आता है उसमें जून लिखा जाता है, पर पेपर जुलाई एंड में या अगस्त में भी कई बार होता है, तो आप देख लीजिएगा क्योंकि पेपर इसी के बीच में होता है। कई बार कैसे हो जाता है, कई बार कैसे हो जाता है। सो बात करें 2022 जून का। सो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, तो अभी तक हमारे टोटल, मतलब जैसे 2022 दिसंबर के बाद वीडियो बना रही हूँ, तो टोटल ओवरऑल हमारे पास पेपर हो चुके हैं 15। तो 15 पेपर हमारे पास हो चुके हैं। हर एक पेपर में 60 क्वेश्चन आते हैं और उनकी हम डिटेल स्टडी करते हैं। अप्रोक्सीमेटली आप रख लीजिए कि हम 5, तो उसके 4 ऑप्शन है, उनको भी थोड़ा डिटेल करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 60 का 5 से इंटू करके आप चेकआउट कर सकते हैं कि हम इतने क्वेश्चन एक बारी में पेपर में करते हैं, मतलब 300 समथिंग पेपर हम एक बार करते हैं। अब 300 क्वेश्चन हम एक बार कर रहे हैं, मतलब आप आधे घंटे, मतलब एक घंटे की वीडियो में, 50-60 मिनट की वीडियो में आप 300 क्वेश्चन कर रहे हैं, और इस 300 को आप 15 इंटू कर लो तो आपके 4500 क्वेश्चन बन जाते हैं। इनफैक्ट ये तो मैंने मिनिमम आंकड़ा बताया क्वेश्चंस का कंप्लीट करने का, टॉपिक डिस्कस करने का। इसके अलावा हम यहाँ पे कोई इससे ज्यादा रख लो आप 7-8000, ये तो कैलकुलेटेड अमाउंट है, बट अगर हम पूरा करें तो मिनिमम हम जो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं तो 5-10 हजार क्वेश्चन तो कवर अप कर रहे हैं, या 5-8 कुछ 10 हजार इस तरीके से अगर डिटेल हर चीज देखी जाए जो मैं करवाती हूँ, बाकी जो भी आज तक करवाई है। बाकी अगर प्रॉपर क्वेश्चन की बात करें, प्रॉपर आंसर की बात करें, तो वो 5-6000 तो कंप्लीट होंगे ही होंगे। सो अगर आप 15 वीडियो में देख के अगर आपका कवर अप होते हैं 10,000 तक क्वेश्चन, यानी आप कम ही रख लो 8,000 तक क्वेश्चन, तो भी कितनी बड़ी बात है, कितने ज्यादा क्वेश्चन कवर अप होंगे और वो टॉपिक आपको याद भी रहेंगे। सो इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि आपको इजीली समझ आए, क्योंकि यहाँ पे मैंने पिक्चर्स ऐड की हैं। देखो क्वेश्चन ये है, आंसर ये है, यही पढ़ते रहोगे तो सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर होता है, पर अगर उसकी डिटेल पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ते हो, तो वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत बहुत जरूरी होता है एग्जाम के लिए, और प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड आता है। अगर आप 15 क्वेश्चन को देख कर, मतलब 15 जो पेपर है इनको कर लेते हो, तो अप्रोक्सीमेटली डायरेक्टली क्वेश्चन 30-35 तो आएंगे ही, ये डैम श्योर है, जो डायरेक्टली हल्का सा कंसर्न करके बताए गए हैं। बाकी थोड़े क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो अगर जो क्वेश्चन करवा रही हूँ उसका डीप जो मैंने पढ़ाया है उनमें से होंगे, और फिर और तो थोड़े से 10-20 के लिए, 15 के लिए तो टॉपिक पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब मेन पॉइंट ये है कि अगर आप मतलब 15 ये क्वेश्चन पेपर की पूरा देख लेते हो, उसके बाद कुछ मेन टॉपिक्स में भी पढ़ोगे, पर ये शर्त है कि इनको डिटेल में 1-2 बार देखना है, और उसके बाद अगर आप ये देख लेते हो तो आपका बड़ा अच्छा स्कोर रह जाएगा। मेन का टॉपिक है 2-3 बार देखो इनको, तो जब थक भी गए हों, बोर भी हो रहे हों, तब भी हम वीडियो लगा के पढ़ते हैं तब भी हमें समझ आ जाता है। सो ऐसा कीजिएगा। बाकी मेन टॉपिक जो होते हैं जिनमें हमें लगता है कि हमें पढ़ने हैं टैट लेवल के लिए, उसके लिए मैं एक अलग सीरीज करवा दूंगी जिसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन उस टॉपिक की करवाई जाएगी, उन टॉपिक्स की। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपका बताना चाहूंगी कि हमारे पास टैट एंड टीजीटी के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, मतलब सभी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। जिसे भी एनरोल करना हो तो हमारी ऐप कैरियर स्टडी करके डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर किसी को इश्यू आता है तो जो नीचे दिए गया नंबर है उस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको डिटेल बता दी जाएगी कि आप नहीं खुल रही है, कोई भी इशू रहता है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो अब ये मत डाउट लाना कि क्वेश्चन कैसे हो, मतलब क्वेश्चन ये कौन सी सीरीज के, अभी तक कितनी वीडियोस देख चुके हैं इतना तो आपको पता लग ही गया होगा कि क्वेश्चन सेम ही होते हैं, सीरीज में आगे पीछे होते हैं, बस यही फर्क होता है।
सो कॉर्पस ल्यूटियम, अब आपको आधे क्वेश्चन तो इसमें से आ ही जाएंगे, आप खुद ऑब्जर्व कर लेना कि अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से किए हैं तो आप कितने क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट कर पा रहे हो. सो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है. अब सबसे पहली बात, कॉर्पस ल्यूटियम होता क्या है. जो ह्यूमन फीमेल होती है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, हर मंथ एक एग रिलीज होता है. एग रिलीज जो साइकिल होता है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. तो एग रिलीज हुआ, ब्लड का फ्लो होता है, उसके बाद न्यू एग रिलीज होता है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है, एक स्टेज आती है जैसे कि ग्राफिन फॉलिकल डेवलप हुआ, उसके बाद ग्राफिन फॉलिकल का लिब्रेशन रप्चर हो जाएगा और यहां से निकलेगा कॉर्पस ल्यूटियम. अगर कॉर्पस ल्यूटियम के साथ स्पर्म अटैच हो जाता है तो हो जाती है रिप्रोडक्शन, बट अगर नहीं होता तो ये धीरे धीरे रप्चर होने लग जाता है, और रप्चर होता है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है. सो ये चीज याद रखनी है. तो इन सब में प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन मेन काम करता है. सो हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है प्रोजेस्ट्रॉन, राइट. और प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन दोनों ही जो फीमेल सेक्सुअल हार्मोन आते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि मेल के सेक्सुअल करैक्टर को, बाकी फीमेल के सेक्सुअल करैक्टर को. मेल की बात करें तो उसमें टेस्टोस्टेरोन आता है. नेक्स्ट पॉइंट इज विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव ए बाइल फ्रॉम द लीवर, कौन सा पार्ट. बाइल सिक्रीट होता है लीवर से. याद रखिएगा लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का. ऑर्गन पूछा जाए तो स्किन आती है और ग्लैंड पूछा जाए तो लीवर. सो लीवर में होता है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से रिलीज होता है बाइल, और बाइल एक बेसिक मीडियम बनाने में मदद करता है क्योंकि हम खा जाते हैं बहुत अनहाइजेनिक चीजें. तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये हमारे इंटेस्टाइन में ये सिक्रीट होता है ताकि अगर एसिडिटी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको बैलेंस किया जा सके. सो स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन और सबसे बात करें तो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन साइज में बड़ा होता है पर लेंथ वाइज स्मॉल इंटेस्टाइन होता है. रेशियो की बात करें 5:1 रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन. सो देखिए तकरीबन 10 क्वेश्चन किए, इसी हिसाब से तो लगा लीजिए 60 × 10 कितने हो गए, 600 हो गए. अब 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ऑब्वियसली क्वेश्चन हो गए कवर. सो वैसे सारे क्वेश्चन की इतनी डिटेल नहीं करवा सकते कि इतनी डिटेल करवाने लग गई मैं तो क्या होगा कि बस यही वीडियो में रह जाओगे और आप थक भी जाओगे. जो कंसेप्ट आपको इसमें आपको लगता है डिटेल पढ़नी है, जाइए नोटबुक खोलिए, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी. सो राइट आंसर इसमें आ जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. नेक्स्ट की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लूप ऑफ हेनल. देखिए ये आता है हमारा किडनी, और किडनी का एक यूनिट यहाँ पे एक लाइन मतलब उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं. ये फिल्ट्रेशन का काम करता है. तो नेफ्रॉन की बात करें तो इसके दो हिस्सों में बंटा है. एक आता है, अगर हम लाइन दे दें तो यहाँ पे ऊपर आ जाता है हमारा बाउमेन कैप्सूल और PCT प्रोक्सिमो डिस्टल ट्यूब्यूल, और नीचे वाले हिस्से में आता है लूप ऑफ हेनल जो कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग होते हैं, और फिर बैकअप टू आता है DCD, ठीक है, और फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. तो लूप ऑफ हेनल आप देख सकते हो किसका पार्ट आता है, ये पार्ट आता है नेफ्रॉन का. नेफ्रॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, मतलब सबसे छोटा यूनिट जो सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है. न्यूरॉन लॉन्गेस्ट सेल है, लीवर लार्जेस्ट सेल है, लंग एयर को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है. टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, आजकल बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं लोगों में. तो टेस्ट ट्यूब बेबी में होता है
मेल का स्पर्म लेके फीमेल का ओवम लेके बाहर फर्टिलाइज करवाया जाता है, जिनमें अंदर प्रॉब्लम होती है कि फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है पर सब कुछ ठीक है, तो उन केस में ऐसा किया जाता है जिसे कि फर्टिलाइजेशन इन विट्रो बोला जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। और आजकल बहुत ज्यादा, पहले तब जब वही ना स्टार्टिंग में इसको इतना माना नहीं गया था, बट अब आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव तो होता है नेचुरल से, बट जिनको अपना बेबी चाहिए होता है वो इस चीज को जरूर फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, इनिशिएशन कोडोन डजंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इनिशिएशन कोडोन कौन सा है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता? तो वो आ जाता है ए यू जी एंड जी यू जी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो कोडोन होते हैं जैसे कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन जाती है, तो प्रोटीन के तीन तीन कोड बन जाते हैं, तो टोटल 64 बनते हैं, जिसमें कि 61 तो आगे वर्किंग करते हैं, 3 स्टॉप कोडोन होते हैं। अब काम कंटिन्यू थोड़ा ना चल रहेगा, तो 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, जब ये आ जाए तो वो प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है और फिर ए यू जी आई तो आगे प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, सो ये याद रखिएगा, स्टॉप कोडोन यू ए ए, यू ए जी, यू जी ए और ए यू जी इनिशिएशन कोडोन। नेक्स्ट, इम्यूनिटी। हमारे पूरा क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। द इम्यूनिटी ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी हैज डिस्कवर्ड फ्रॉम ए डिजीज इज कॉल्ड। देखो, इम्यूनिटी हमारी बॉडी में भगवान है, मतलब बॉडी बनाई है, गॉड मान लो या सुपर नेचुरल पावर मान लो, कि एक एबिलिटी दी जाती है कि अगर कुछ अनहाइजेनिक चला जाए तब भी उससे लड़ सके, तो उसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं। अब इम्यूनिटी भी अलग अलग टाइप की होती है। एक होती है इनेट, एक होती है एक्वायर्ड। इनेट होती है जिसे कि हम क्लासिफाई करते हैं स्पेसिफिक, या बोल सकते स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में ये चार्ट बहुत जरूरी है, 15-20 क्वेश्चन बन जाते हैं इनसे। फर्स्ट लाइन में कौन आता है, सेकेंड लाइन में कौन आता है, इनेट कौन सी है, एक्वायर्ड कौन सी है, केमिकल कौन सा है, फिजिकल कौन सा है, सेलुलर कौन सा है, मॉलिक्यूलर डिफेंस कौन सा है, सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन से सेल होते हैं कौन से नहीं, तो इस तरीके के बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लाइन डिफेंस, फिजिकल बैरियर, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, केमिकल, एंटी माइक्रोबियल, बॉडी फ्लूइड्स, सलाइवा, म्यूकस, टीयर वगैरह, ये स्टॉप करेंगे इन्फेक्शन एंटायर बॉडी में। फर्स्ट लाइन सबसे पहले यही काम करेगा। सेकेंड आता है सेलुलर डिफेंस, फैगोसिटिक, न्यूरोफिल, बेसोफिल, इसोफिल, ये आते हैं हमारे WBC। ठीक है, डेथ ऑफ डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर सेकेंड में ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम आता है एंड मॉलिक्यूलर डिफेंस। एक्वायर्ड होता है दो टाइप का, लिम्फोसाइट बी एंड टी, बी ह्यूमरल इम्यून सिस्टम और टी सेल मीडिएटेड। इसमें फुल फॉर्म आ जाती है सेल मीडिएटेड कौन सा है, ह्यूमरल कौन सा है। सबसे ज्यादा 70-85% आपका टी लिम्फोसाइट आता है, बाकी बी। यानी अगर इम्यूनिटी में टी खराब हो जाए किसी वजह से तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है। सो हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब क्या कीजिए, देखो ये देखा, क्लोज योर आइज, वीडियो को पॉज कीजिए, क्लोज योर आइज एंड फाइंड आउट कि कितना आपको माइंड में रहा, क्या एक दो पॉइंट याद रहे या कितने ज्यादा, जितना आप मतलब रिकवर कर सको, यानी वो आपको भूलेगा नहीं। सो इसका राइट आंसर बन जाता है ऑब्टेन फ्रॉम ए आफ्टर बर्थ, ये है बर्थ के बाद एक्टिव। जैसे कि बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि कोई बीमारी ना हो, वैक्सीन की लगाई जाती है, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्यूरेशन ऑफ ए ह्यूमन कार्डियक साइकिल। देखो, ह्यूमन में हार्ट होता है, राइट? तो हार्ट में ब्लड फ्लो होता है। ब्लड फ्लो अलग अलग प्रोसेसेस में होता है। फर्स्ट प्रोसेस होता है जब हमारा ऑरिकल्स जो होते हैं उनमें, जैसे एक तो ब्लड आ गया, ऑरिकल से जब ब्लड वेंट्रिकल जाता है, ठीक है, तो एक प्रोसेस हो गया। देखो ये हर्ट है, हर्ट के चार चैंबर है। एक प्रोसेस में ब्लड आ रहा है ऑरिकल्स में दोनों साइड, एक में नीचे जा रहा है
और एक में ये बॉडी से जा रहा है, एक तो बॉडी को जा रहा है इधर से लंग्स में जा रहा है। एक और पिक्चर बनाती हूँ क्लियर सी, जैसे कि ये हर्ट है, ये राइट साइड है, राइट ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। एक आता है राइट साइड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, इस साइड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक प्रोसेस ये हो गया। सेकंड में ये जाता है नीचे, वेल्स होती हैं उसके थ्रू नीचे जाता है वेंट्रिकल में, सेकंड प्रोसेस हो गया। थर्ड प्रोसेस में राइट से, अब इसने बोला मेरे को तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए नहीं, इससे चला जाता है लंग्स में, लंग्स प्योर करता है और उसके बाद रिच ब्लड आ जाता है इसमें, और वेंट्रिकल्स के थ्रू बॉडी में चला जाता है ब्लड। ये प्रोसेसेस होते हैं राइट। तो अब बात करें इसमें जो इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो लब डब होती है। सो अब बात करें कि जो टाइम होता है वो 0.8 सेकेंड में ये हो जाता है। देखो कितने जल्दी, 0.8 सेकेंड का आपको रियली में पता भी नहीं लगेगा। तो जब हम ऑरिकल सिस्टोल की बात करें, मतलब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो होता है 0.1 सेकेंड का। वेंट्रिकल सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड का, मतलब ऑरिकल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो यूरिफोल, और एक होता है ज्वाइंट डायास्टोल, मतलब अब बोल रहा है हर्ट मेरे को दोस्त कुछ सेकेंड का रिलैक्स चाहिए, तो इस टाइम रेस्ट करता है, तो वो आ गया 0.4। तो ओवरऑल कार्डिक साइकिल रहता है 0.8 सेकेंड का। सो ये पॉइंट याद रखिएगा। सो इसके मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगी ताकि आपको इसको समझ आ सके डिटेल में, बाकी अभी इतना ही करते हैं। तो थोड़ा समझा दिया, तो ओवरऑल यानी 0.8 सेकेंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, ओ ब्लड ग्रुप चाइल्ड कैन नॉट हैव इट। देखो जो पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप होता है उसके बेसिस पे बच्चे का ब्लड ग्रुप होता है। अब चांसेस होते हैं जैसे कि ए बी, ए मदर का है बी फादर का है, तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा राइट। तो अगर ए इसका है एंटीबॉडी, ए है एंटीजन, ये मतलब इस पे फर्क पड़ता है। तो ब्लड, अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है तो इनमें से कौन सी चीज नहीं होगी कभी भी? तो इनमें से होगी जब माँ, एक पापा मतलब ब्लड ग्रुप मदर या फादर में से किसी का भी, एक का ए बी है और एक का ओ है, ये कभी भी नहीं होगा पॉसिबल, ठीक है? क्योंकि एक ए से डिनोट, एक होता है एंटीबॉडी, एक होता है एंटीजन। एंटीबॉडी ए होंगे तो एंटीबॉडी बी होती है, और एंटीजन, एंटी मतलब एंटीबॉडी अगर बी है तो एंटीजन ए होगा, ये अपोजिटली चलता है। जिसमें एंटीबॉडी है उनमें ए बी ब्लड ग्रुप होता है, जिनमें है ही नहीं उसमें ओ ब्लड ग्रुप होता है। तो ये चांस होगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो। सो ये रहता है, बाकियों में पॉसिबल है। नेक्स्ट ये देख सकते हैं यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, ओ, एक्सेप्टर ए बी। सो देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल, इज एसेंशियल फॉर फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस में कौन सा एलिमेंट नेसेसरी होता है? देखो तो प्लांट में न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे हमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है प्लांट में भी होते हैं, मैक्रो लार्ज अमाउंट, माइक्रो स्मॉल अमाउंट, उनको एक बार देख लीजिएगा। तो इनमें से कौन सा फोटोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन में मदद करता है, वो आता है मैग्नीज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ये इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो लास्ट पेपर में भी ये चीज थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर वो जो कि प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करते हैं। बायो मतलब नेचुरल फर्टिलाइजर जो कि आगे ग्रो करने में मदद करते हैं। माइकोराइजा भी है जिसमें फंजाई हायर प्लांट में रहती है, बैक्टीरिया भी आते हैं लाइक बहुत सारा राइजोबियम बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया भी होते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट। एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जो लिविंग होते हैं, एबायोटिक होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। सो इसमें से
एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग आता है वो है ह्यूमस, क्योंकि ह्यूमस वो होता है जैसे कि ना पत्ते पुत्ते गिरते रहते हैं, कोई भी मटेरियल सॉइल है, सॉइल पे पत्ते या कुछ भी डेड डिकिंग चीज होती है, आप देखोगे वहां मॉइस्चर सा ऑब्जर्व हो जाता है, जो न्यूट्रिएंट रिच होता है उसको हम ह्यूमस के नाम से जानते हैं। ये है एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट। मलबरी लीफ, शहतूत बोलते हैं इसे हम हिंदी में, हम बचपन में खाते थे। तो शहतूत की लीफ सॉरी फाउंड नहीं आना, फूड इन किसका है, तो सिल्क वॉर्म का। और सिल्क वॉर्म की कल्चरिंग को हम सैरी कल्चर बोलते हैं। अब इनकी कल्चरिंग क्यों जाती है, क्यों की जाती है, सिल्क ऑप्टेन करने के लिए, ठीक है। तो मलबरी लीफ शहतूत, बेंडिंग ऑफ ए शूट ऑफ ए प्लांट इन रिस्पॉन्स ऑफ ए लाइट, लाइट के रिस्पॉन्स के लिए मेन हार्मोन होता है ऑक्सीन, राइट। और ऑक्सीन मतलब छोटे होते हमने देखा था प्लांट को अंधेरे कमरे में लगाया, एक साइड से लाइट दी जा रही है, लाइट की तरफ जब ग्रो कर रहा है तो वो फोटोट्रॉपिज। अब ये भी दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एक नेगेटिव। लाइट की बात कर रहे हैं तो प्लांट जब लाइट की तरफ ग्रो करेगा उसे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे, और लाइट के अपोजिट वर्क करेगा तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्योंकि जो देखो वर्ड में मीनिंग छुपा होता है, हमेशा अगर आप किसी क्वेश्चन में फर्स्ट जाओ आपको याद नहीं आ रहा क्या है, तो उसके माइंड मैप बनाइए, माइंड को समझिए और उसके आंसर को निकालने की कोशिश कीजिए। सो ये आता है फोटोट्रॉपिज्म लाइट सेंसिटिव। सो नेक्स्ट इज सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट, जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी की तरफ, तो यानी ये रूट मतलब जमीन के अंदर जा रही है रूट, तो रूट क्या आ जाएगी पॉजिटिव और रूट के अपोजिट जा रहा है तो नेगेटिव, शूट नेगेटिव आ जाएगी। थिग्मोट्रॉपिज्म आता है बेंडिंग प्लांट और रिस्पॉन्स हुए स्टिमुलेंस की टच की तरफ होता है, कीमो केमिकल, जहां के उसको केमिकल मिलेगा न्यूट्रिशन मिलेगी प्लांट उधर ही ग्रो करेगा, कीमोट्रॉपिज्म। इन एल्गी द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, एल्गी में फोटो क्योंकि जो प्लांट खुद बनाते हैं खाना, ऑटोट्रॉपिज्म बोला जाता है क्योंकि इनमें स्पेसिफिक चीज होती है जिसे कि हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो कि ह्यूमन में नहीं होती, एनिमल्स में नहीं होती। और क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट आता है, ग्रीन ऑर्गेनेल है, खुद का डीएनए होता है, सेमी ऑटोनोमस इसको नाम देते हैं। अब याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या फोटोसिंथेटिक यूनिट होता है जो कि लाइट को कैप्चरिंग करने का काम करता है, ये आपका होमवर्क है, आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ, देखो ह्यूमन में एक रॉड्स होती हैं, कोन्स होती हैं, जो लोग दिन को देख सकते हैं उनके कोन ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो रात को देख सकते हैं उनके रॉड स्ट्रांग होती हैं। सो याद रखिएगा क्या पूछा है क्वेश्चन, कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए होते हैं कोन्स, स्ट्रांग होते हैं, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर। तो ब्लैक रॉट क्रूसीफर की बात करें तो देखो ये प्लैक से हो जाते हैं पत्ते, बीमारियां ये, तो ये होती है बैक्टीरिया के थ्रू। बैक्टीरिया वायरस फंगस ह्यूमन में ही प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, ये और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंटल फॉर्मुला, दांत तो होते ही हैं, तो दांत का देख रहे हो, तो दांत को हम ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है चलो। तो जो सेंटर वाला होता है उसको हम इंसीजर बोलेंगे, जो कि दो नंबर होते हैं मतलब कैनाइन एक होता है, फर्स्ट मतलब मोलर की बात करें तो ये भी दो होते हैं, प्री मोलर की बात करें ये तीन होते हैं, तो इसका फॉर्मूला 2 1 2 3, और इस साइड भी 2 1 2 3, इस साइड भी 2 1 3, तो देखते हैं आंसर कौन सा करेक्ट है। सो 2 1 2 3 यानी ऑप्शन बी, जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है टीथ का उसको एनिमल बोलते हैं, रखिएगा। इवेंट ऑफ ए यूनिक इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में यूनिक क्या है, यूनिक है डबल फर्टिलाइजेशन,
समझेंगे डबल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है। जैसे पॉलन है, पॉलन माना टू आ गए, एक पॉलन तो मिल गया जाके न्यूक्लियस के साथ, क्या बन गया जायगोट, ठीक है, एक मेल गैमेट और एक एग, जायगोट बन गया। अब सेकेंड फ्यूजन जब हो रही है तो एक वन मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस जो बना था 2n बना था उसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, तीन हो गए तो 3n। ये है दो बार फर्टिलाइजेशन हो रही है तो इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। और जो बनता है वो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको लिखा जाता है PEN, फुल फॉर्म भी आती है। देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है, डबल फर्टिलाइजेशन किस में होती है, सेकेंड फ्यूजन क्या है, PEN क्या है, तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। 3N कब बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कॉमन है, पॉलिनेशन पॉलन का ट्रांसफर, स्पोर फॉर्मेशन ये भी कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवर्स चैनल। जैसे कि अभी का टाइम है, यहाँ पे कोरोना वायरस का ज्यादा सीन चला है, तो वैसे ही एक टाइम पे जो स्मॉल पॉक्स था वो बहुत ज्यादा था, किसी को भी होता था लोग उससे दूर जाते थे। तो स्मॉल पॉक्स जो होता था तो उसको वो होता था किसकी वजह से, तो इसमें आ जाएगा एडवर्स चैनल। तो इसमें स्मॉल पॉक्स का इन्होंने बोला था, और फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोला जाता है इसको। इम्यूनोलॉजी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने इम्यूनिटी को रेजिस्टेंस बनाया था। तो याद रखिए एडवर्स चैनल स्मॉल पॉक्स। और फर्स्ट एंटीबायोटिक बनी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी पेंसिलिन। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए होता है। जब न्यू ट्रांसजेनिक कुछ भी प्रोडक्ट बनाने हो तो उसमें यूज होता है प्लाज्मिड। एक मतलब आप करते जैसे डीएनए पूरा सीक्वेंस है, उसमें काटना हो, कुछ भी करना हो, मॉडिफाई करना हो, तो हम प्लाज्मिड कंसेप्ट यूज करते हैं। तो इनमें से PBR322 एक प्लाज्मिड है, राइट। नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग साइकॉन। देखो प्लांट में क्या किया जाता है, आपने देखा होगा जैसे प्लांट है उसमें अच्छे फ्रूट लगते हैं पर रूट वीक है, फूल बहुत लग रहे हैं बेचारे, प्लांट फ्रूट्स बहुत लग रहे हैं, वो लगा हुआ नीचे, मतलब नीचे झुका हुआ है, उससे वो अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगा। और कुछ प्लांट होते हैं जिनके स्टेम वीक होती है, कुछ फ्रूट नहीं लग रहे, तो हम क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग स्टेम वाले में जिसमें फ्रूट ज्यादा लगते हैं उसकी ग्राफ्टिंग कर दी जाती है, स्मॉल सा पोर्शन काटा जाता है और दूसरे को लगा दिया जाता है ताकि अच्छे से फ्रूट मिल सके। तो ग्राफ्टिंग में साइकॉन स्टेम पार्ट आता है, यहाँ पे टाइम आ गया है, इट्स अ पार्ट ऑफ ए स्टेम ऑफ डिजायर पार्ट। साइकॉन कौन सा पार्ट आ गया, स्टेम वाला। नोबेल प्राइज PCR के लिए किसको मिला था, हर्बर्ट बोयर की बात करें तो इन्होंने ट्रांसप्लांट जीन मतलब बारे में बताया था कि कैसे ट्रांसप्लांट होती है लिविंग एक से दूसरे में। हरगोविंद खुराना ने न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन सिंथेसिस नोबेल प्राइज मिला था इनको 1968 में। कैरी मुलिस ने PCR टेक्निक, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आर्थर कॉर्नबर्ग इन्होंने राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डी ऑक्सीराइब्लिक एसिड के बारे में बताया था, ठीक है, मतलब डीएनए के बारे में, उसके बारे में बताया था। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली। देखो ये एक प्लांट है, स्पीसीज है, एक बार जिंदगी में प्राप्त होते हैं और उसके बाद ये खत्म हो जाता है, कभी नाम सुना है, तो चलिए बताते हैं। तो उसका नाम है बैम्बू। बैम्बू देखा होगा सबने, तो बैम्बू एक प्लांट है जिसमें एक बार फ्लावर आते हैं और उसके बाद उगने के बाद ये खत्म हो जाता है, फ्लावर देके ये न्यू बना देता है, बाकी खुद मर जाता है। स्टोमेटा, स्टोमेटा होते हैं प्लांट में, लीफ है, इसका सांस जो लेता है वो स्टोमेटा के थ्रू लेता है, किससे अफेक्ट नहीं होते, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन से इफेक्ट नहीं होते, टेम्परेचर से भी, लाइट से भी, CO2 से भी, कंसंट्रेशन से भी इफेक्ट होते हैं, बट ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन से नहीं अफेक्टेड होते क्योंकि वो नहीं आ रहा ना उसमें, वो तो निकालता है, बाकी किस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, किस अमाउंट में लाइट आ रही है, किस अमाउंट में टेम्परेचर है, उस वो तो डिपेंड करेगा ही। कुछ क्वेश्चन ना लॉजिकल होते हैं, समझेंगे
अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। Which book keeps record on all endangered species? देखो, गिनीज बुक होती है जिसमें रिकॉर्ड होते हैं जिन्होंने बिल्कुल अलग काम किया होता है। इवोल्यूशनरी रिकॉर्ड मतलब जो इवोल्यूशन से रिलेटेड है। लिम्का पीने वाला नहीं है, पर लिम्का बुक जो होती है डॉक्यूमेंट्री वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, जैसे डॉक्यूमेंट्री बनाई है किसने, लिटरेचर, मेडिसिन, इकोनॉमिक, किसी से भी रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड रिकॉर्ड इसमें होता है। रेड डेटा डेंजरस सी बात है, एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में इसमें बताया जाता है। वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन? तो ह्यूमन में फीमेल में, जैसे कि हम बात कर सकते हैं, फीमेल में रिलीज होती है स्पर्म, तो उसमें ही रिप्रोडक्शन होगी। तो होती कहाँ पे है? देखो, अगर जैसे कि फर्टिलाइजेशन की बात करें, मतलब मेल एंड फीमेल, जैसे कि यहाँ से ओवम रिलीज हो गया तो उसमें स्पर्म जाके मिल जाता है फर्टिलाइजेशन, तो वो होती है ये ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में, राइट। तो जो ओवरीज को बोलते हैं, ओवरी से जो अटैच होता है ये वाला पोर्शन, इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं, और ये जो जिसे पकड़ा हुआ है ये आती है फिम्ब्रिय। देखो यहाँ पे देख सकते हो फिम्ब्रिय, बीच वाला पोर्शन एम्पुला, इस्थिमस। कई बार क्वेश्चन आ सकता है ओवरी से कौन अटैच है, कौन यूट्रस अटैच है, ठीक है। ये रिलीज होता है, यूट्रस की भी तीन लेयर होती है, एंडो अंदर वाली, मिडल वाली मायो, और एंडो एक्सो बाहर वाली। तो जो फर्टिलाइजेशन हो रही है वो इस ट्यूब में होती है, याद रखिएगा। तो हम करेक्ट कर देते हैं ऑप्शन सी। देखिए, अब जैसे कि क्वेश्चन करवा दिया, इसके पॉइंट माना, मैंने एक्सप्लेन नहीं किए, कुछ भी किया, तो उसको आप रिवाइज कीजिए, जितना आप करोगे उतना अच्छा आपका स्कोर रहेगा। नेक्स्ट इज पॉलन ग्रेन इज स्टोर इन सेवरल ईयर इन ए लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग ए टेम्परेचर। पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है बहुत ठंडे टेम्परेचर पे, मतलब सेवरल ईयर तक, क्योंकि उसको कूल टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे तभी वो रह पाएगा। तो वो टेम्परेचर होता है -196, और इसकी स्टडी को बोला जाता है क्रायोजेनिक्स। एक सेकेंड लगेगा, आप बोलिए, रिपीट कीजिए, आपका 2-4 सेकेंड या 5 सेकेंड बोल के, थोड़ा वीडियो को पॉज करके, आपका बहुत टाइम बचाएगा। अगला पेपर करोगे तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, आप नोट डाउन कर लो, काउंट कर लो कितने क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीवियस ईयर पेपर से आए। कुछ ही होते हैं 5 से 10 क्वेश्चन जो बिल्कुल अलग से आते हैं, बाकी वही पैटर्न रिपीट होता है, कोई नई चीज नहीं होती। ओजोन लेयर, देखो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर एयर लेयर में होती है अर्थ के, जो कि यूवी रेज से बचाती है, ये खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो उसको मतलब उसको बचाने के लिए, उसको एफर्ट करने के लिए कि वो खत्म ना हो, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारा सिस्टम चला, तो वो स्टार्ट मतलब बनाया जाता है कि इसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड, ताकि अवेयर हों लोग, वो है 16th September। कब मनाया जाता है? 16th September। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच, कौन सा पेयर रॉन्गली मैच है? तो टी एच मॉर्गन ने लिंकेज के बारे में बताया, ये करेक्ट है। एबीओ ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस कर सकते हैं, एक्सओ सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रास ऑपर में होता है, रॉन्गली ये स्टार सिंथेसिस ऑफ पी, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, हु डिस्कवर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हरविन कुराना की बात करें जेनेटिक्स, वाटसन की बात करें डीएनए, एस कोहेन एच बॉयरन ने डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, सटन एंड बवरी ने इन्होंने क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया। अब इसी के साथ आप रिपीट कीजिए वीडियो को पॉज करके, सटन एंड बवरी क्रोमोसोम, कोहेन एंड बोहर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वाटसन क्या आएगा डीएनए, हरविन खुराना जेनेटिक्स। सो इस तरीके से आप बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, आप काउंट कर लो, अगर आपने पूरे मतलब आप ऐसा कीजिए ना, 2012 के मतलब स्टार्ट कर रहे हो जैसे पेपर, तो स्टार्ट किए उसके बाद अब क्या करना है, एक बार फिर से स्टार्ट किया तो उसके बाद देखिए कितने क्वेश्चन मैच करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर रहे होंगे, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी।
देखो, कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। दो टाइप की कंजर्वेशन होती है, इन सिचू एट सिचू। इन सिचू होती है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर, टेरेस्ट्रियल, मैराइन, स्केयर्ड ग्रुप। एट सिचू जो मतलब स्पेसिफिकली किया जाता है, जैसे बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, सीड बैंक, फील्ड जीन, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन अभी किया था, लो टेम्परेचर में जब स्टोर की जाती है। स्केयर्ड प्लांट, होम गार्डन। तो ये है एक्स सिचू, स्पेसिफिकली क्रिएट कर रहे हैं आप। तो नेशनल पार्क, वाइल्डलाइफ सर्च, ये तो सारे हैं इन सिचू। एक्स सिचू सीड बैंक, बैंक आएगा, एन आएगा, बैंक लिखा इसमें। नेक्स्ट आता है फर्स्ट पोलर बॉडी, ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस होती है फीमेल में, ऊजेनेसिस फीमेल में होती है एंड स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होती है। तो मेल में तो माइक्रोस्पोर बहुत सारे बनते हैं क्योंकि बहुत सारे स्पर्म रिलीज होते हैं, एक स्पर्म जाकर अटैच होता है ओवम तक। इसमें सबसे पहले माइटोसिस, प्राइमरी ओसाइट बना, प्राइमरी ओसाइट से डिवीजन हुई, सेकेंडरी ओसाइट बना। सेकेंडरी ओसाइट में फर्स्ट जो कि फर्स्ट पोलर बॉडी डेवलप हो जाती है, यानी फर्स्ट मियोसिस में। देखो एक कंसेप्ट क्या आ गया, सबसे पहले गोनियम होता है, उसमें माइटोसिस हो रही है, फिर प्राइमरी ओसाइट बन रहा है, ये प्रोसेस भी आ सकता है। प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट बनने में कितने बनते हैं, तो याद रखना वन पोलर बॉडी और वन गैमेट, और मियोसिस हो रही है, अगेन मियोसिस हो रही है, तो सेकेंडरी ओसाइट में। और ये तो सारी तीन पोलर आ जाएंगी सेकेंडरी में, इसमें तीन आएंगी, फर्स्ट में वन आएगी और फिर एक बार डेवलप हो जाएगी, यहाँ पे स्पर्म अटैच होगा और जायगोट बन जाएगा। याद रखिएगा, मियोसिस वन में वन पोलर बॉडी, मियोसिस टू में टू थ्री पोलर बॉडी। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ऊ साइट क्या होता है, ऊ गोनियम क्या होता है, मियोसिस हो रही है, माइटोसिस हो रही है, तो फर्स्ट मियोसिस। पोलर बॉडी मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी आगे फॉर्मेशन के। रिडक्शन ऑफ ए वेस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल, मतलब वेस्कुलर टिश्यू की रिडक्शन हो रही है, कम हो रही है क्योंकि डायरेक्ट उनको वाटर मिल रहा है। जीरोफाइट प्लांट ड्राई हैबिट में रहते हैं, इसमें तो होता ही है वेल डेवलप। मीजो में मॉडरेट वाटर, एपीफाइट किसी और पे ग्रो कर रहे हैं, इन सब में पानी चाहिए मतलब अच्छे से। हाइड्रोफाइट पानी में ही रहते हैं प्लांट, तो इनमें वेल डेवलप वेस्कुलर सिस्टम नहीं चाहिए, ऐसे भी ये ग्रो कर जाएंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा ज्यादा आगे हो गया। हु प्रपोज द केमिकल इवोल्यूशन ऑफ ए लाइफ, केमिकल इवोल्यूशन लाइफ के बारे में किसने कहा? डार्विन ने, नेचुरल सिलेक्शन, नेचर ने जो सिलेक्ट किया, जो सर्वाइव करेगा वो ग्रो कर जाएगा। लेमार्क में इनहेरिटेंस बोला कि पिछली जनरेशन आएगी न्यू जनरेशन में, पीछे से रिलेटेड होगा। और केमिकल इवोल्यूशन से रिलेटेड ऑपरन एंड हेल्डर ने बोला था, हैकल ने थ्री किंगडम सिस्टम दिया था। साथ में अभी रिवाइज कीजिए, अभी देखा होगा इनमें से एक आधा पॉइंट पिछले पेपर में भी था, डार्विन, लेमार्क, अगर ये ना बताओ ये भी था। जरूरी नहीं है कि आपको सही, आपको एग्जैक्ट आंसर पता हो, आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, अच्छा ये तो मैंने ये पढ़ा था, इसका ये आंसर नहीं होगा, इसका ये नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। 25 से 30 क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट होंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, वो भी कवर अप कर लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। 10-12 तो रहते ही हैं जो न्यू आते हैं, बाकी पुराने ही आ जाते हैं। 20-25 डायरेक्टली और 15-20 आप इनडायरेक्टली रख लो, बाकी 15 का आप रख लो, कि जैसे 60 अगर एवरेज रखी जाए तो 60 में से अगर हम नोट डाउन करें तो 60 में से अब हम रख लें, तीन हिस्सों में बांटते हैं, एक डायरेक्टली 25 क्वेश्चन, ठीक है, तो फिर आ जाते हैं 25 और 30 रख लो, चलो 25 रखते हैं, 15 हमने रख लिए इनडायरेक्टली, ठीक है, तो 25 30 रखो आप, 30 40 45, बाकी 15 से 16, मतलब एवरेज चेंज हो सकती है 15 से 20 तक भी, ये तो न्यू होंगे, अगर ये कवर अप कर लेते हैं तो स्कोर तो हो ही जाएगा। हो सकता है ये 15 20 भी, मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि ये रिपीट होंगे, मतलब नहीं होंगे, क्या पता इन्हीं में से हो, बट एग्जैक्ट एग्जैक्ट आज तक जितना मैंने देखा है 30 क्वेश्चन तो मतलब आते ही हैं जो डायरेक्टली होते हैं, बाकी 15 आप रख लो, मतलब इनका थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है बट ये रहता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंसुलिन का काम क्या होता है? ये डिक्रीज मेन फंक्शन हार्मोन डिक्रीज इन ब्लड शुगर, शुगर के बैलेंस बनाने में काम करता है। बीटा सेल सिक्रीट करते हैं पैनक्रिया से। फैट सोलूबल प्रोटीन विटामिन, तो विटामिन दो टाइप की हैं, वाटर सोलूबल बी एंड सी आ जाते हैं, एक फैट सोलूबल ए डी ई के। तो इनमें से ये चार्ट को बहुत बार करवा चुकी हूँ पेपर में, सो अभी पढ़िएगा। सो अभी मैं वही पॉइंट डिस्कस करती हूँ जिसमें है विटामिन के आई से रिलेटेड प्रॉब्लम, रेटिनो के ये ब्लड से, ब्लड में क्लॉट, अंदर क्लॉट बनना अच्छा नहीं है, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, बाहर क्लॉट बनना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बाहर क्लॉट बन रहा है तो खून रुक रहा है, जिनको नहीं क्लॉट बनता उसको हीमोफीलिया प्रॉब्लम होती है, सी से स्कर्वी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अदर देन स्प्रेडिंग मलेरिया एनोफिल मॉस्किटो आर ऑल्सो फैक्टर ऑफ, मतलब एनोफिल मॉस्किटो मलेरिया कॉज करता है, उसके अलावा और कौन कॉज करता है, ये क्वेश्चन है। तो उसके अलावा फिलेरियसिस ये कॉज करता है, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट बन जाता है। बात करते हैं, सॉरी और ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। डेंगू फेरी एडीज से होता है, फीवर एलिफेंटिसिस, इसमें ना हाथी की तरह टांग हो जाती है, फिलेरिया वॉर्म की वजह से ही होती है, वाउचेरिया की वजह से होता है, सारे पॉइंट आते हैं एक एक वरी में। येलो फीवर, येलो हो जाती है, फीवर होता है जिसमें बॉडी येलो हो जाती है, तभी तो नाम पड़ा है। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं थी वायरस के लिए, क्योंकि वायरस का पता ही नहीं लगा उन्हें किस कैटेगरी में रखे, प्लांट में, एल्गी में, किस में रखे, फंजाई में, किस में रखे, समझ नहीं आया, तो सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। सिचलिंडन एंड सिचवाना ने सेल थ्योरी के बारे में बोला था। नेक्स्ट करते हैं, ट्रांसवर्स फीजन, फीजन होती है बॉडी की डिवीजन, अमीबा में इरेगुलर बाइनरी फीजन होती है, सब में बाइनरी ही है, पर युगलीना में लॉन्गिट्यूडनल। देखो करवाने को तो मैं डायरेक्ट बोलती कि अच्छा इसका आंसर ये होता है, ये बाइनरी फीजन होती है, पिक्चर दिखाई, क्लोज योर आईज, पिक्चर को माइंड में रखो, याद रहेगा। सो युगलीना इसमें डिवीजन होती है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, पैरामिशियम ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है, ऑब्लिगेटरी बाइनरी फीजन सिरेटियम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा पैरामीशियम ट्रांसवर्स, माइंड में रखनी है चीजें। जो चार्ट करवाती हूँ ना, इसको देखो आईज क्लोज, एक सेकंड मतलब 5-10 सेकंड के लिए देखो, क्लोज योर आईज, जितना माइंड में रहता है ना पक्का याद रहता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है, देखो फर्स्ट पहले जायगॉट से 1 से 2 सेल बने, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, एग्जैक्ट 12 से 16 आएगा तो मोरूला आएगा, पर 16 से अगर मतलब ज्यादा पूछा है तो वो ब्लास्टुला आता है और उसके बाद गैस्ट्रुला डेवलप होता है। तो 16 सेल स्टेज प्रॉपर पूछी है तो इसमें मोरूला करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे करते हैं, आई की कॉमन प्रॉब्लम कंजक्टिवा, इसमें पिंक आई हो जाती है, कैटरैक्ट भी हो जाती है, मिल्की सा हो जाता है आंख, ग्लूकोमा को काला मोतिया बोलते हैं, कैटरैक्ट को वाइट मोतिया बोलते हैं, दोनों ही सभी प्रॉब्लम्स हैं, ऑल ऑफ द अबव। देखो ये सारी बीमारी अगर प्रॉपर टाइम पे क्योर की जाए तो हो जाती है, क्योर नहीं तो नहीं होती। आरबीसी रेड ब्लड सेल तो कितने दिन जीते हैं, 120, यानी अगर आप कुछ टाइम बाद 6 महीने में ब्लड भी देते हो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो उस पर खत्म ही होने हैं, तो अगर देते हो इज गुड फॉर अस, वो हमारे लिए अच्छा है। आरबीसी खत्म होते हैं, अब डेड बॉडीज तो नहीं रहेंगी हमारी बॉडी में, क्या बनता है, तो ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी में चली जाती, स्प्लीन में चली जाती है और स्प्लीन इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। Which of the following, oviparous जो अंडे देते हैं, तो जो अंडे देते हैं oviparous, जिसमें कि आ जाता है platypus। Next is surgical contraceptive method। अब देखो बेबी नहीं चाहते हैं तो कई बहुत जैसे कि कई कैसे प्रोसेस करते हैं, कई कुछ मेडिसिन यूज करते हैं, कोई कुछ यूज करते हैं,
सर्जिकल मेथड कौन सा है? देखो अगर जैसे फीमेल नहीं ऑपरेट करवाना चाहती हो तो फीमेल को फेलोपियन ट्यूब काट दे दिया जाता है, उसको ट्यूबेक्टो बोलेंगे। अगर मेल का वासा रेफरेंसिया काट दिया जाए, डिफरेंसिया कर जाए, काट दिया जाए, तो उसको वासेक्टोमी बोलेंगे। ठीक है, तो ये सर्जिकल मेथड होते हैं जिसमें कि फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को काटा जाता है, मेल में वासा डिफरेंसिया को, जिसकी वजह से स्पर्म की मूवमेंट या एग की मूवमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी चांसेस कम हो जाते हैं। फिर अब हमसे पूछा था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, वासेक्टोमी आ जाएगा क्योंकि ट्यूबेक्टोमी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो कन्फ्यूज में होता था। ओवरी एक्टोमी, ओवरी का कटना, दोनों या एक कुछ भी। हाइसरेक्टोमी, रिमूव यूट्रस का रिमूवल हो जाता है। कैस्ट्रेशन में जो मेल में गोनाड्स होते हैं उनको कट कर दिया जाता है, अब वो किसी बीमारी से, किसी भी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल टेस्ट टाइफॉइड के। देखो एलिसा होता है एड्स के लिए, एलिसा होता है ठीक है। ईएसआर की बात करें तो ईएसआर होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटरी टेस्ट, ब्लड टेस्ट है। पीसीआर की बात करें, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जेनेटिक स्पेसिफिक और मतलब उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होते हैं वो इसके अंदर टेस्ट किए जाते हैं। विडाल टेस्ट होता है स्पेसिफिकली टाइफाइड के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीटी कॉटन इज नॉट। बीटी होता है फर्स्ट बेसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस, फर्स्ट ट्रांसजेनिक स्पीसीज जो कि बनी थी, जिससे कि चेकआउट किया जाता था क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, मतलब सॉरी इसके लिए मॉडिफाई किया जाता था प्लांट इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए। ये पॉइंट भी है, ये भी है, जीन एक्सप्रेसिंग होती है, पेस्टिसाइड के लिए नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। एमाइनो एसिड अटैच टू द टी आर एन ए, यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पे आएगा टी आर एन ए। तो एमाइनो एसिड अटैच होते हैं थर्ड एंजाइम, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं हम, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज एडिपोज टिश्यू बिलोंग। देखो टिश्यूज अलग अलग टाइप के होते हैं, मस्कुलर, कार्डिक, स्केल्टन, स्मूथ, एपिथीलियल, सिलिएटेड, सिंपल कॉलमनर, सिंपल कोएबॉइडल, सिक्विमस, नर्वस, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन, बोन एंड फैट टिश्यू, मतलब एडिपोज एंड एरियोलर टिश्यू। तो ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, तो इस पूरे चार्ट को याद रखिएगा। कार्डिक हर्ट में होता है, स्केल्टन मसल में होता है, स्मूथ जो भी रेस्पिरेशन सर्कुलेशन उनमें जो भी होते हैं सेल वो। तो ऑप्शन एडिपोज एक टाइप का फैट स्टोरिंग टिश्यू है। कैसा है? फैट स्टोरिंग टिश्यू। नेक्स्ट इज मेन हियरिंग पार्ट ऑफ ईयर। तो हियरिंग का मतलब सुनते हैं हम, तो उसका मेन पार्ट होता है क्लोएका। ठीक है, स्टीशियन केनाल की बोले तो ये मिडल ईयर से थ्रोट से अटैच होती है, स्टीशियन केनाल, यूट्रिकल, ये सारे ईयर के ही पार्ट होते हैं। यूट्रिकल फ्लूड, ऐसे बोल सकते हैं, फ्लूड फिल्ड कैविटी होती है। और क्लोएका एम्प्लीफिकेशन, साउंड को ऐसे से राउंड होता है, साउंड को क्योर मतलब प्योरीफाई करने का काम करता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ, क्या कंटेन होता है? तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है कि प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो आर्टिफिशियल तरीके से मतलब पिल्स लेते हैं, तो वो होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नॉर प्लांट की बात करें तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव वुमेन में मतलब स्मॉल रॉड टाइप होती है जो इम्प्लांट कर दी जाती है ताकि प्रेगनेंसी ना हो। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन होता है, जो कि जब फीमेल प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम बेबी बॉर्न के टाइम ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है ताकि इजीली बर्थ हो सके स्ट्रेचिंग के लिए। साइनो बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर, साइनो बैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं क्योंकि
ये लाइट की प्रेजेंस में फूड भी बना लेता है और केमिकल से भी फूड बनाता है, तो इसको हम मनेरा कैटेगरी के अंदर लेते हैं। नेक्स्ट इज स्टार्च। स्टार्च ग्लूकोज का, बहुत सारे ग्लूकोज लगे होते हैं, उनको हम स्टार्च बोल देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोजोमिक, पूरा ही देख लेते हैं। देखो, न्यूमेरिकल क्रोमोजोम का बढ़ना उसको हम पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे। पॉलीप्लॉइडी भी दो टाइप की होती है, एन्यूप्लॉइडी, जिसमें कि क्रोमोजोम नंबर मल्टीपल बेसिक क्रोमोजोम नंबर से होंगे, जैसे कि ट्राइजोमी होगी, इसी वजह से डिसऑर्डर भी होते हैं। ट्राइजोमी 2n+1, डबल ट्राइजोमी, ये प्लस कर दिया, टेट्राजोमी। फिर आता है हाइपोपॉलीप्लॉइडी, मतलब इसमें लेस हो जाते हैं, कमी भी प्रॉब्लम है। मोनोजोमी एक कम होना, नलीजोमी दो कम होना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इसमें बोला था मोनोजोमिक आती है, तो मोनोजोमी आती है 2n-1, राइट। यूप्लॉइडी में डायरेक्टली हैप्लॉइडी में एक क्रोमोजोम बढ़ जाता है, डिप्लॉइडी में दो बढ़ जाते हैं। पॉली में सीक्वेंस होता है, एक होता है ऑटो, जिसमें कि जो हमारे, देखो, एक 22 सेम पेयर होते हैं, एक पेयर अलग होता है, जिसको हम सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं, एलोजोम बोलते हैं। जो सेम होते हैं उसको ऑटोजोम बोलते हैं। ऑटोजोम में डायरेक्ट डुप्लीकेशन हो रही है तो उसे हम ऑटो पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे। सेक्स क्रोमोजोम में जैसे कि एक्स वाई है, तो एक्स वाई डबल ट्रिपल जो भी हो रहा है कंटिन्यू, तो उसे हम एलो पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे। और ऑटो में जो 22 सेम है, जैसे एक्स एक्स है, इन्हीं का बढ़ रहा है, तीन चार जितने भी बढ़ सकते हैं, तो हमारा राइट। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 15 क्वेश्चन कवर होते हैं इससे। इसमें आ जाएगा 2n-1। नेक्स्ट पॉइंट इज कि सिंथेसिस ऑफ ए वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड रिड्यूस NADP मॉलिक्यूल, तो वो आ जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म इकोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज बाय, फर्स्ट किसने यूज किया था। ओडम की बात करें, इन्होंने इकोसिस्टम के बारे में बताया था, और मॉडर्न फादर इकोलॉजी के बोला जाता है, ठीक है। क्या किया गया था, इन्होंने इकोसिस्टम के बारे में बताया था, प्लस इकोलॉजी के बारे में बताया था, और मॉडर्न फादर इकोलॉजी के भी इन्हें बोला जाता है। फिर बात करें मंच की, इन्होंने प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस दी। टर्म इकोलॉजी की बात करें, इन्होंने अर्नेस्ट हैकल ने दिया था बाद में, मतलब टर्म दी तो इन्होंने थी, बट ऑथेंटिक यूज जिस किया था वो रिचर ने दिया था। कुछ पॉइंट आपको याद रखते हैं, इनमें बहुत कंफ्यूज होता है कि वैसे तो इकोलॉजी की टर्म हैकल ने दी थी, बट ऑथेंटिक यूज रीचर ने किया था। और अगर मॉडर्न फादर बोला जाए इकोलॉजी के, तो ओडम को बोला जाता है। इन्होंने इकोसिस्टम के बारे में बताया था, और इकोसिस्टम की जो टर्म थी वो टेस्ले ने दी थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्या क्या है, ओडम इकोसिस्टम और इकोलॉजी को जोड़ा था इन्होंने, और टर्म टेस्ले ने दी थी, और इकोलॉजी के टर्म दी थी हैकल ने, बट ऑथेंटिक रूल यूज रीचर ने किया था। और इंडिया में अगर बात करें, इकोलॉजी के फादर जाना जाता है रामडियो मिश्रा। किसे जाना जाता है, रामडियो मिश्रा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इकोसिस्टम और इकोलॉजी बहुत कंफ्यूज होते हैं, टर्म और डिस्कवरी दोनों पॉइंट्स को आपको नोट डाउन रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए बायो इंडिकेटर। देखो, बायो इंडिकेटर कौन होते हैं जो हमें बताते हैं डायरेक्शन। देखो, ये है लाइकन, ये वहां ग्रो करते हैं जहां पे एयर पॉल्यूशन ना हो, खासकर सल्फर का कंटेंट ना हो, यानी अगर ये नहीं है यानी वहां पे एयर पॉल्यूशन है, तो लाइकन आ जाता है इंडिकेटर एयर पॉल्यूशन का, जो कि एल्गी एंड फंजाई का मिक्सचर है। एल्गी फूड देती है, फंजाई इसको शेल्टर देती है, तो ये दोनों साथ में एक दूसरे को देते हैं कुछ ना कुछ, तो ये हो जाती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की, द प्रोसेस विच वी कैन मेजर डिफरेंस इन C3H4।
C3 एंड C4 में मेजर डिफरेंस आता है फोटो रेस्टोरेशन का, मतलब लाइट। C3 में कम लाइट, मतलब नॉर्मल लाइट रहती है, और C4 प्लांट वहां ग्रो करते हैं जहाँ पे हाई इंटेंसिटी लाइट की रहती है, हीट की रहती है। तो फोटो रेस्पिरेशन, बाकी ये प्रोसेस आप देख सकते हो। C3 में फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है, प्रोडक्ट कौन से हैं, ये डिफरेंस तो मैं बोलूंगी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ ए ऑक्सीडेटिव फोटो फॉस्फोराइलेशन, एंड प्रोडक्ट जो आता है वो है ATPH2। एटीपी एनर्जी, जिसके बारे में एटीपी के बारे में बताया था कार्ल लोहमैन ने। किसने बताया था? कार्ल लोहमैन ने। याद रखिएगा, एक बार अभी पीछे वाला पेपर देख लोगे कोई, वहां पे क्वेश्चन आया है कि कार्ल लोहमैन ने क्या दिया था, एटीपी के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ ए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेट सेल प्लेट इज लेट ड्यूरिंग, सेल प्लेट कब होती है? तो ये होती है साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन। ये देख सकते हैं, प्लांट हैव रिजिड वॉल सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डस नॉट पिच इन, सेल प्लेट लेट डाउन अक्रॉस द इक्वेटर, तो इक्वेटर की तरफ जाएगी, एंड सेल मेम्ब्रेन अराउंड द ईच एंड न्यू सेल वॉल फॉर्म और अंटिल सेपरेट कंप्लीशन। तो इसकी वजह से कंप्लीशन हो जाती है। सेल प्लेट कब होती है? साइटोकाइनेसिस, ये डिवीजन करती है ताकि आगे ग्रोथ हो सके। इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है अंडमान में, कहाँ होते हैं? अंडमान में। यानी हमारा यहाँ पे ऑप्शन बन जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसके साथ आपकी ये क्लास फिनिश होती है। तो इसके साथ हमने कर लिया अभी तक पेपर 2022 जून, 14 पेपर कर लिए हैं, एक पेपर आपका लेफ्ट रहता है 2022 दिसंबर का, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रीवियस ईयर पेपर करना। अगर आप सोच रहे हो कि आपको तैयारी करनी है, समझ नहीं आ रहा, तो एक बार तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर की फुल लिस्ट देख लेनी चाहिए, ताकि वो मदद कर सके आपके अंडरस्टैंडिंग। सो एंड में बताना चाहूंगी कि अगर आपको टैट एंड टीजीटी का कोर्स को लेना हो, आपको पढ़ना हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे एंड हमारी ऐप पे देख लीजिएगा, आपको वहां पे पूरी डिटेल मिल जाएगी। सो इसके साथ फिनिश होती है क्लास। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं बेटर काम करने के लिए, और मोटिवेशन मिलेगी और अच्छा काम होता है। सभी को मोटिवेशन की जरूरत होती है। सो वी आर द टीचर्स, सो हमें भी डे बाय डे इम्प्रूव करना चाहिए। कोई आपको लगता है कि ये कंटेंट हमें चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, डेफिनेटली हम आपको कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।